वेलकम टू लॉ एनजी के। सो फ्रेंड्स, ऑन दिस चैनल वी डिस्कस द कंटेंट्स ऑफ लॉ एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ ड्यूशियल सर्विसेज एंड अदर लीगल एग्जाम्स। एंड फ्रेंड्स, अभी यूजीसी नेट 2022 दिसंबर 21 एंड जून 2022 का जो है ज्वाइंट एग्जाम हो रहा है, और लॉ का एग्जाम जो है अभी अगस्त में आने वाला है। सो फ्रेंड्स, फॉर दैट यूजीसी नेट लॉ सब्जेक्ट वी आर डूइंग दिस वीडियोस, एंड इन दिस अपकमिंग वीडियोस वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ यूजीसी नेट लॉ सब्जेक्ट। सो फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि आप जो है इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन योर प्रिपरेशन फॉर जुडिशरी एंड अदर लीगल एग्जाम्स, एंड दीज वीडियोस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन फॉर यूजीसी नेट फॉर लॉ पेपर। एंड व्हाइल सब्सक्राइबिंग, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। एंड अगर एंड में आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको भी बताएं कि उनको सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स यहाँ पर फुली डिस्कस्ड मिल जाएंगे। देखिए, यूजीसी नेट जो सिलेबस अभी बहुत वास्ट कर दिया है, और यूजीसी नेट पेपर वन हम जो है कई वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं, मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आप यूजीसी नेट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहाँ पर आपको यूजीसी नेट पेपर वन जो 50 क्वेश्चंस होते हैं, टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथ्स, तो वो सब आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अब लॉ एग्ज़ाम की ओर। देखिए, मेरे पास ये ए सीरीज का पेपर है, ये लिखा हुआ है 58 इज द कोड ऑफ लॉ सब्जेक्ट। देखिए, मैंने एग्जाम पेपर नेट से डाउनलोड किया है, आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर वन इज, अकॉर्डिंग टू पाउंड, रोस्को पाउंड, कौन सी थ्योरी दी थी उन्होंने? थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। इसमें उन्होंने कहा था कि लॉ इज सोशल इंस्टीट्यूशन टू सेटिस्फाई सोशल वॉन्ट्स। इसका आंसर क्या रहेगा? टू। विधि क्या है? सामाजिक जरूरतों को पूरा करने वाली एक सामाजिक संस्था है। टू इज द आंसर। और तो द सोशलिस्ट थ्योरी ऑफ लॉ है इन ज्यूरिसप्रूडेंस, ही इज द प्रोपाउंडर ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू राइट्स इन इट्स वेरियस फॉर्म्स एंड कोरिलेटिव्स। तो राइट एंड ड्यूटी होता है जो कोरिलेशन है इसमें, दिस इज करेक्ट। लिबर्टी, नो राइट्स, यस। पावर, लिबर्टी, नो। पावर एंड लाइबिलिटी, पावर है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइबिलिटी है। इम्यूनिटी, डिसेबिलिटी, यस। इसमें कौन कौन से ठीक हैं? 1, 2, 4 कौन सा नहीं पूछा हुआ है, तो आंसर क्या रहेगा इसका? थर्ड, पावर एंड लिबर्टी। नेक्स्ट है 3, द मेन पर्पस ऑफ कॉपरेशन सोल इज टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट, नो। टू मेक दी प्रॉपर्टी इजिली ट्रांसफरेबल, नो। इनहेरिटेबल, नो। टू मेक कंटिन्यूटी ऑफ एन ऑफिस, यस। 4 इज द आंसर। नेक्स्ट है 4, एवरी मैन हैज़ अ प्रॉपर्टी इन हिज ओन पर्सन, ही हैज़ राइट टू प्रिजर्व हिज प्रॉपर्टी, दैट इज हिज लाइफ, लिबर्टी, एस्टेट, इज सेड बाय, किसने बोला ये? जॉन लॉक ने। 3 इज द आंसर। नेक्स्ट है 5, अंडर द स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा, विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोल्यूशन कैन ओरिजिनेट ओनली इन राज्यसभा? रेजोल्यूशन सीकिंग रिमूवल ऑफ वाइस प्रेजिडेंट, यस, ये हो सकता है, राज्यसभा में होगा सिर्फ। एनी रेजोल्यूशन सीकिंग क्रिएशन वन ऑफ और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज, यस। एनी रेजोल्यूशन सीकिंग लेजिस्लेशन ऑन स्टेट सब्जेक्ट, यस। इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल, नो, ये नहीं हो सकता, ये कहाँ होता है? सिर्फ लोकसभा में, लोअर हाउस में। और ये कहाँ मैंशन किया गया? ये मैंशन किया गया है आर्टिकल 109 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के क्लोज 1 में लिखा हुआ है कि मनी बिल शैल नॉट ओरिजिनेट इन राज्यसभा। तो ठीक कौन से हुए? ए बी सी। तो ए बी सी ओनली, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट है 6, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म वैकेट्स हिज ऑफिस, या फिर मैंडेटरी एक्सटेंशन ऑफ 2 मंथ्स, या फिर कंटिन्यू टू होल्ड अंटिल सक्सेसर एंटर्स अपॉन द ऑफिस। तो 3 इज द आंसर। और ये कहाँ मेंशन किया गया है? वाइस प्रेसिडेंट के लिए लिखा गया है ये आर्टिकल 67 में, और प्रेसिडेंट के लिए कहाँ पर लिखा गया है सेम चीज़? आर्टिकल 56 में, ओके। नेक्स्ट है 7, स्टेट इमरजेंसी ऑफ प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 कैन बी इम्पोज इन अ स्टेट बाय प्रेसिडेंट फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। 1 इज द आंसर। एंड वेयर इट इज मैंशन? इट इज मैंशन इन आर्टिकल 356 क्लॉज 4 के प्रोवाइजो में, ऑल राइट। नेक्स्ट है 8, besides providing for a functional government and consequential growth in administrative process, the constitution has provided elaborate control mechanism so that water may not overrun beyond banks. This has been ensured in which of the following articles? 32, 226 and 227, writ jurisdiction, and 227 is superintendence of high court. So, 1 is the answer. Next, 9, which of the following groups of jurists who consider the law as command of sovereign
enforced by superior political authority and accordingly subscribe to the view that international law is not law as properly so called. तो कौन कौन से jurists थे ये? Hobbes, Pufendorf and Austin. So 4 is the answer. Next 10. Which of the following Geneva Convention has provided on the protection of the victim of maritime warfare? It is 2nd Geneva Convention 1949. 1 is the answer. Next 11. The World Court refused to give its advisory opinion in which of the following cases? In the legality of the use by a state nuclear weapon in armed conflict. 2 is the answer. Next 12. Which of the following is not the principal organ of United Nations? General Assembly hai, Economic and Social Council hai, ICJ hai, to kaun sa nahi hai? International Human Rights Commission. 4 is the answer. Next 13. The distinctive feature of rioting are an activity which is accompanied by force and violence. 1 is the answer. And where rioting is mentioned under section 146 IPC. Next 14. Which among the following is the most serious offense, thus severely punishable? तो अब बताना कि भाई कौन से ऑफेंस में सबसे ज़्यादा पनिशमेंट मिलती है. तो अनलॉफुल असेंबली में कितनी मिलती है? 6 months. बींग ए मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली सेक्शन 143 6 months पनिशमेंट है, नॉन कंपाउंडेबल है. एफरे के लिए पनिशमेंट कितनी है? 1 month की ओनली, और 100 रुपये फाइन है. सेक्शन कौन सा है? पनिशमेंट 160 में है. असोल्ट के लिए कितना है? 3 months एंड 500 फाइन है. सेक्शन कौन सा है? 352 IPC. Rioting is mentioned under section 146 as I told you earlier in previous question. Punishment कितनी है? 2 years. तो सबसे ज़्यादा सवेली punishable कौन सा हुआ? 2. Rioting. 2 is the answer. Next 15. Stalking. Following a woman despite her disinterest, spying etc. is an offence under. Stalking किस में है? 354 DIPC में. तो 4 is the answer. 354 1 क्या है? Sexual harassment के लिए है. इसमें क्लॉज 2 क्या है? डिमांडिंग सेक्सुअल फेवर्स. 3 क्या है? शोइंग पोर्नोग्राफी. ठीक है. और 354B क्या है? असोल्ट विद इंटेंट टू डिसरोब. ठीक है. नेक्स्ट 16. इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन द प्रिपरेशन फॉर एंड अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस. इट इज मेंशनड इन अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. 2 इज द आंसर. और कौन से सेक्शन पर है? सेक्शन 511 अटेम्प्ट पर है ये. नेक्स्ट 17. मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 रेफर टू द अर्लियर मोटर व्हीकल एक्ट ऑफ 1988 एज प्रिंसिपल एक्ट. 4 इज द आंसर. नेक्स्ट 18. द कोर्ट हैव क्रिएटेड न्यू टोर्ट्स बाय ग्रेजुअल एंड समटाइम्स ऑलमोस्ट इम्परसेप्टिबल एक्सटेंशन ऑफ ओल्ड टोर्ट. हु सेड द अबव स्टेटमेंट? इट वॉज सेड बाय प्रोफेसर गुडहार्ट. 1 इज द आंसर. नेक्स्ट 19. Mental condition of a wrongdoer at the time of wrongdoing is relevant in tort based on strict liability. 3 is the answer. Next 20. Section 53 Consumer Protection Act 2019 provides for the establishment of National Consumer Dispute Redressal Commission. It is to be known as National Commission. 1 is the answer. Next is question number 21. In a contract of guarantee under the Indian Contract Act, there are 3 parties and 3 contracts. 2 is the answer. देखिए agreement तो एक ही होता है, but एक किसके बीच में होगा? principal and creditor के बीच में, एक creditor and guarantor के बीच में, एक principal and guarantor के बीच में. तो 3 contract हो गए वहाँ पर. Next is 22. In case of unascertained goods, the property in good passes. देखिए sale of goods act का question है ये. When the goods are ascertained, yes. तो उसका answer क्या रहेगा? 1. Section कौन सा है ये? Section है ये 18 of sale of goods act. Next 23. Where the money received from a third party by the firm in ordinary course of business is misapplied by one of the partner to his own use, then defaulting partner is liable for the same. When the money received from a third party. तो यहाँ पर देखिए ना, third party का लिया है और एक ने misappropriate कर लिया, तो पूरी firm liable रहेगी. 3 is the answer. Section is section 26 of Partnership Act. Next 24. Whom in the following can remove the name of company from register of companies on suo motu basis in terms of section 248(1) Companies Act 2013. तो कौन कर सकता है? Registrar of companies. 1 is the answer. Next 25. Which one of the following is not a primary source of Muslim law? Sunnat, Ijma and Qiya are primary sources. तो क्या नहीं है? Urf. बहुत ही common question है ये, आता ही रहता है exam में. 3 is the answer.
नेक्स्ट 26, ओरिजिनली अंडर हिंदू मैरिज एक्ट डाइवोर्स वॉज बेस्ड ऑन फॉल्ट थ्योरी. 3 इज द आंसर. अब तो ब्रेकडाउन भी आ गया और कंसेंट थ्योरी भी आ गया. ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, किसी ने किसी एग्जाम में आपको देखी जाएगा ये. नेक्स्ट 27, द फॉलोइंग जजमेंट डज नॉट डील विद द नीड ऑफ एनेक्टमेंट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया. देखिए, शाबानो बेगम, सरला मुदगल, जॉन वेलमेंटन, दिस ऑल आर ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड. कौन से आर्टिकल में प्रोवाइड किया गया? आर्टिकल 44 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अशोक हुर्रा एंड रूपा हुर्रा, ये किस पे था? ये क्यूरेटिव पेटिशन पर केस है. तो अब डज नॉट डील है तो आंसर क्या रहेगा? 2. नेक्स्ट 28, विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट डू नॉट डील विद द मैटर ऑफ लिव इन रिलेशनशिप. तो कौन सी नहीं है? शारदा वर्सेज धर्मपाल. 2 इज द आंसर. नेक्स्ट 29, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटर जनरेशनल इक्विटी एंड हेल्ड अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स अप्रूवल टू एस्टैब्लिश फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री टू बी इनवैलिड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. इट वाज स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेज गणेश वुड प्रोडक्ट्स. 1 इज द आंसर. नेक्स्ट 30, द प्रीएम्बल ऑफ बोथ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एंड एयर प्रिवेंशन एक्ट वर पास टू इम्प्लीमेंट डिसीजन रीच्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग. यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट 1972. 3 इज द आंसर. नेक्स्ट 31, द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज पॉलिसी ऑन अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन अडॉप्टेड सर्टेन गाइडिंग प्रिंसिपल इन ईयर 1992. विच द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द सेट गाइडिंग प्रिंसिपल्स. That is involvement of NGOs for all purpose. 3 is the answer. Pollution को prevent करेंगे, best technology adopt करेंगे, public participation करेंगे. NGOs का कोई matter नहीं है, तो 3 is the answer. Next 32, which of the following is not function of Human Rights Council? To promote human rights education, yes. To decide issue without making a recommendation to GA, no. To work in close cooperation with the government or regional organization, yes. To serve a forum or dialogue on thematic issues on human rights, yes. तो गलत कौन सा नोट पूछा है? तो 2 is the answer. Next 33, digital signature is defined under section 2P of IT Act. 1 is the answer. Next 34, cyber security is defined under section 2NB of IT Act 2000. 3 is the answer. Next 35, the term private key refers to authentication of electronic record by subscriber. No. Key of key pair used to create a digital signature. 4 is the answer. Next 36. The validity of contracts formed through electronic means is contained under section 10A. 4 is the answer. Next 37. The Right to Information Act 2005. Explain the meaning of information under 2F. 2 is the answer. Bahut hi common question hai RTI ka to. Next 38, the Lokpal Lokayukt Act 2013 came into force on 16th January 2014. अब देखिए, इसमें इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया था. Next 39, which one of the following is related to amendment of US Constitution? अब देखिए, US Constitution से भी कई काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अमेंडमेंट कहाँ पर है? आर्टिकल 5 में है. 3 इज द आंसर. नेक्स्ट 40, Section 8(1) of the RTI Act provides how many exemptions from the disclosure of information? 10. 4 is the answer. कि वो 81J तक है ना इसमें. Next 41. According to Professor Lon L. Fuller, law is the enterprise of subjecting human conduct to the governance of rules. Yes. Morality of law has two aspects, external and internal. Yes. External morality is the morality of aspiration, ideas from which it is possible to drive a procedural version of natural law. No, it is not possible to drive. Internal morality of law is a substantive version of natural law. No, this is also not substantive. Answer kya rahega iska? A and B. 1 is the answer. Next 42. In which of the following cases, the duties are not specifically enforced in respect of the act done. कहां पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिल पाएगी, कहां नहीं मिल पाएगी, तो वो बताना है हमको. द लायबिलिटी ऑफ अ बोरोवर टू रीपे डेट बार्ड बाय स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन. नो, इट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड. द लायबिलिटी ऑफ बोरोवर टू रीपे मनी बोरोड बाय हिम, ये तो होगा. अब यहां पर लिखा नहीं हुआ कि बार्ड है, तो इट मींस वो लिमिटेशन में है. टू रेफ्रेन द रॉन्ग डूअर फ्रॉम पब्लिकेशन व्हेन लीवर हैज ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ऑलरेडी हो चुका है. तो टू रेफ्रेन द रॉन्ग डूअर टू कंटिन्यू द कमीशन ऑफ न्यूसेंस, ये हो सकता है. तो कौन कौन से नहीं हो सकते? तो ए एंड सी. 2 इज द आंसर. नेक्स्ट 43,
Which of the following statement are correct? Global justice inquires about what justice among human being consists in. Yes, this is correct. Phir global justice inquiries take individual human being as a primary concern and seek to give account of what fairness among such agent involves. Phir hai the domain of global justice theorists seek primarily to define justice between state or nations. This is wrong. In international justice, the nation or state is taken as central entity of concern and justice among nations or states is the focus. This is also correct. This answer kya rahega? A, B and D. 2 is the answer. And ye kisne kaha tha aur ye kahan par aapko content mil sakta hai? Jara comment section mein jaake humko bataiye. Comment kijiye. Next 44, which of the following statement are correct? Preamble contains the in nutshell ideas and aspiration of the constitution. Yes. Preamble is the key to open the minds of the constitution makers. Yes. Preamble to the constitution is solemnly resolved to secure citizens' justice and equity. Yes. Preamble is not part of the constitution. Ye wrong hai. To A kisne kaha tha ye? It was said by Justice Subba Rao, ex-CJI of India. And ye preamble is the key to open the mind of the constitution maker. Ye kisne kaha tha? It was said by the court in Re-Beriberi case. To do theek hai, A and B. A and B is the here and here as well. So 1 and 4 both are the answers. Next 45. Which of the following statements are true under the Constitution of India? Article 61 deals with the procedure for impeachment of the president. Yes, it is correct. Article 142 provides the law declared by Supreme Court shall be binding on all courts. This is in Article 141. Article 122 provides that the court shall not inquire into proceedings of the parliament. This is also correct. Article 163 deals with the extent of executive power of the state. No. That is Article 162. Okay. So, two galat ho gaye isme. B and D, to A and C are correct. 3 is the answer. Phir 46. Which of the following is are correct? When a state is defeated on or conquered, all the citizens acquire the nationality of the conquering state. This is called secession mode of gain of nationality. No, this is wrong. When a person gets nationality of state in the place of nationality of another state, this is called a substitution mode of loss of nationality. Yes. Phir a public trustee case is related to statelessness. Yes. The General Assembly decided to convene conference to conclude a convention to reduction of statelessness in 1961. This is partially true. It was held in 1961, but it was not General Assembly. It was United Nations Human Rights Commission. So, उन्होंने जो है decide किया था और Human Rights Commission ने ही ये जो conference convene करवाई थी, ठीक है? इसमें answer क्या रहेगा? फिर B and C only. One is the answer. Next 47, which of the following statement is are true? Digital recognition is final, whereas de facto recognition is provisional. This is correct. De facto recognition can be withdrawn, but digital recognition is irrevocable. Yes. De facto recognition has retrospective operation as exactly as de jure. No. There is no distinction between de jure and de facto recognition for the purpose of giving effect to the internal acts of the recognized authority. Yes, this is correct. Answer kya rahega? A, B, and D. One is the answer. Next 48. Which of the following statement is true? On 16 June 1987, the foreign secretaries of South Asian regional countries entered into an agreement on extradition. This is correct. Hong Kong Pact on extradition with India has entered in the middle of June 1980. No, this is wrong. India Germany signed extradition treaty on 27 June 2001. This is correct. India France signed a treaty on 2002. No, this is wrong. Hong Kong ke saath hua tha 1997 mein and France ke saath hua hai 2003 में 2003, ठीक है? तो इसमें ठीक कौन सा हुआ फिर? A and C, तो A and C only 3 is the answer. Next 49, which of the following statement is true? The offence of abatement defined under section 107, yes, it is correct. Essentially, an ingredient of the offence of conspiracy is the agreement to commit an offence. Yes, this is also correct. Punishment for criminal conspiracy given under section 120B, so this is incorrect. State of Tamil Nadu through Superintendent of Police CBI versus Nalini is a case related to offence of abatement. No, this is Rajiv Gandhi murder case. Abatement in India of offences committed outside India is punishable under section 108A
आईपीसी, यस इट इज ऑल्सो करेक्ट. तो आंसर क्या रहेगा, ए बी एंड ई सी इज द आंसर. नेक्स्ट 50, थेफ्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 378 एज डिसऑनेस्ट रिमूवल ऑफ मोबाइल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट हिज कंसेंट. यस दिस इज करेक्ट. नेक्स्ट है बी, इन द ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन पनिशमेंट इज अप टू 3 years अंडर सेक्शन 384 आईपीसी. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. द ऑफेंस ऑफ रॉबरी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 391, नो अंडर 390. ये हो गया रॉन्ग. फिर है डकैती इज रॉबरी कमिटेड बाय 5 or more persons. ये दिस इज करेक्ट. फिर पनिशमेंट ऑफ डकैती इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 392, नो दिस इज पनिशमेंट ऑफ रॉबरी. ओके आंसर क्या रहेगा इसका, ए बी एंड डी ओनली, 2 इज द आंसर. नेक्स्ट 51, द ऑफेंस ऑफ सेडिशन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 124A. यस दिस इज करेक्ट. द सुप्रीम कोर्ट इन केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार हेल्ड दैट सेक्शन 124A इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल. दिस इज करेक्ट. फिर है स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली वर्सेस नवजोत संधू अफसान गुरु इज केस रेडी टू सेडिशन, नो दिस इज रॉन्ग. मोहम्मद आरिफ वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली इज ऑल्सो नोन एज मुंबई टेरर अटैक केस, नो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. वेजिंग और अटेम्प्ट टू वेज वॉर और अबेटिंग वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 121. दिस इज करेक्ट. तो आंसर क्या रहेगा इसका, ए बी एंड ई ओनली, 3 इज द आंसर. नेक्स्ट 52, इन डिटरमाइनिंग रेलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट कंपटीशन कमीशन शैल कीप इन माइंड विच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स. तो रेगुलेटरी ट्रेड बैरियर, नेचुरल प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज, यस लैंग्वेज, यस कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड रेगुलर सप्लाई, यस ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव फैक्टर्स, यस. तो आंसर क्या रहेगा, ए बी सी एंड डी, 4 इज द आंसर. नेक्स्ट 53, मीडिएशन सेल हैज टू होल्ड विच आर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स. लिस्ट ऑफ एम्पैनल मीडिएटर, यस. लिस्ट ऑफ ऑल केसेस हैंडल्ड बाय सेल, यस. रिकॉर्ड ऑफ ऑल प्रोसीडिंग्स, यस. इन्फॉर्मेशन स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन, यस. इसका आंसर क्या रहेगा, 4, ए बी सी डी, 4 इज द आंसर. नेक्स्ट 54, द रिमूवल ऑफ मेंबर ऑफ कंपनी लॉ एपलेट ट्राइब्यूनल कैन बी कैरिड आउट इन कंसल्टेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, चीफ जस्टिस, चेयरपर्सन, नो, अटॉर्नी जनरल, नो. आंसर क्या रहेगा इसका, 1, ए एंड बी ओनली. नेक्स्ट 55, एंडोर्समेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉलोड बाय डिलीवरी. अभी NI एक्ट का है, सेक्शन कौन सा पूछा हुआ है, सेक्शन है ये 50, ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन इंस्ट्रूमेंट टू एंडोर्स. यस, ट्रांसफर्स द राइट ऑफ फर्दर नेगोशिएशन टू द एंडोर्सी. यस, मे एक्सक्लूड रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ फर्दर नेगोशिएशन. यस, मे मेयरली कॉन्स्टिट्यूट एंडोर्सी एज एन एजेंट. यस, आपसे क्या रहेगा, ए बी सी डी, 4 इज द आंसर. नेक्स्ट 56, अंडर मुस्लिम लॉ डाइवोर्स बाय कॉमन कंसेंट इज नोन एज खुला मुबारक. तफवीज नहीं, तफवीज होता है, तो मे बी दिस वाई इट इज तलाक ए तफवीज. तफवीज का मतलब क्या होता है, डेलीगेटेड तलाक. तो इसमें कौन कौन से फॉर्म है, खुला मुबारक. तो आंसर क्या रहेगा इसका, बी एंड डी, 2 इज द आंसर. नेक्स्ट 57, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्ट ग्राउंड्स. देखिए यहाँ पर फॉल्ट ग्राउंड लिख दिए ना, ऊपर क्वेश्चन पूछा था कौन सी थ्योरी है, तो फॉल्ट थ्योरी. तो यहाँ से भी आप इसको आंसर कर सकते हैं अगर आपको नहीं आता हो तब भी. विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्ट ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955, डिजर्शन, क्रुएल्टी, कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फोर्स ऑफ, नो, कन्वर्जन टू नॉन हिंदू रिलीजन. यस, तो ए बी एंड डी, 4 इज द आंसर. कहाँ लिखे हुए हैं ये, सेक्शन 13 में ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट. नेक्स्ट 58, अंडर द प्रोविजन ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, सन ऑफ ए प्रीडिसीज डॉटर इज क्लास 1 हायर. यस दिस इज करेक्ट. विडो प्रीडिसीज सन ऑफ ए प्रीडिसीज सन इज क्लास 2, नो, शी इज ऑल्सो क्लास 1. मदर्स मदर इज क्लास 1 हायर, नो, क्लास 2. मदर्स फादर इज क्लास 2 हायर, दिस इज करेक्ट. तो आंसर क्या रहेगा, 2, ए एंड डी ओनली. नेक्स्ट 59, द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन शैल परफॉर्म सम ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस. शैल फंड लिटिगेशन इन्वॉल्विंग इशू अफेक्टिंग अ लार्ज बॉडी ऑफ वुमेन. यस. शैल प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू ऑल दोज हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड, नो. सेल्फ एम्प्लॉयड उनको क्यों देंगे. शैल कॉल फॉर स्पेसिफिक स्टडीज एंड इन्वेस्टिगेशन इन टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स. यस. शैल इम्पोज पनिशमेंट टू दोज फाउंड इन्वॉल्व इन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वुमेन, नो. शैल इन्वेस्टिगेट एंड एग्जामिन ऑल मैटर रिलेटिंग टू सेफ गार्ड प्रोवाइडेड फॉर वुमेन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लॉज. यस, तो ए सी एन ई आर ट्रू, आर करेक्ट. तो 1 इज द आंसर. एंड नाउ हु इज द हेड ऑफ चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, रेखा शर्मा. ये भी शायद पूछ लें कहीं जीके में, किसी और एग्जाम में, ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट 60, एग्जामिन द रेलेवेंसी ऑफ क्लास एक्शन सूट एंड चूज द करेक्ट आंसर. नाउ व्हाट इज अ क्लास एक्शन सूट.
क्लास एक्शन लॉ सूट मीन्स अ रिप्रेजेंटेटिव सूट। ऑर्डर वन रूल 8 CPCE याद है, रिप्रेजेंटेटिव सूट्स, तो उसको अमेरिका में क्या बोलते हैं, क्लास एक्शन लॉ सूट। ठीक है, तो क्या होता है ये, एक क्लास एक्शन वुड मेजरली असिस्ट इन सिक्योरिंग रेडरेस इन एनवायरमेंटल केसेस, यस, मॉनेटरी रिकवरीज फ्रॉम टॉर्ट फीजर्स इन एनवायरमेंट केसेस कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड थ्रू अ सूट, यस। रिट प्रोसीजर अपीयर्स मोर सूटेड देन अ क्लास एक्शन, नो। मोस्ट ऑब्वियस यूज ऑफ क्लास एक्शन इज द मास डिजास्टर ऑफ द सॉर्ट दैट अकर्ड इन भोपाल, यस। तो आंसर क्या रहेगा, वन इज द आंसर, ए बी एंड डी ओनली। नेक्स्ट 61, द ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस आर डिस्टिंक्टिव साइन ऑफ इंडिकेशन विच आइडेंटिफाई एनी गुड्स एज एक्ट ऑफ अनफेयर कंपटीशन अंडर पेरिस कन्वेंशन 1967, नो, अंडर 1883, इतनी पुरानी कन्वेंशन है ये। फिर ओरिजिनेटिंग इन अ स्पेसिफाइड टेरिटरी, यस। स्टिपुलेट द मिसलीडिंग टेस्ट गारंटिंग ए नेगेटिव राइट, नो। स्पेसिफिक क्वालिटी, रेपुटेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, यस। Essentially attributable to origin, yes. Answer क्या रहा है इसका, B, D and E, 4 is the answer. Next is 62. Nothing in TRIPS Agreement 1995 shall derogate from the existing obligation prescribed under Paris Convention 1967, yes, Rome Convention, Bern Convention, Biodiversity Convention, no, this is not, Integrated Circuit Treaty 1989, yes. तो आंसर क्या रहेगा इसका, A, B, C and E, 3 is the answer. Next 63, computer network means the interconnection of one or more computers of computer system or communication devices through use of satellite, microwave, interstellar line, wire or other communication media. Yes, a device or collection of devices, device thodi hoti hai. Any electronic, magnetic, optical or other high speed data transfer, no. Data processing, no. All input, output, no. Terminal or a complex consisting of two or more interconnected computers, yes. Answer kya rahega, A and E only, 4 is the answer. Next 64, which of the following statements are correct? In Canada, the Federation are not voluntary union but are imposed by an act. This is correct. In India, Act of 1935 created autonomous unit and forged them into a federation. This is also correct. The American Union was formed by voluntary agreement among the number of sovereign states. This is also correct. Indian Constitution has been framed by the states and not by the people of India. No, this is wrong. So, answer kya rahega iska, A, B and C only. One is the answer. Next 65. Amendment in the American Constitution may be proposed by a Congress with 2/3 majority in both houses of representatives and Senate. Yes. 3/4 ke liye, no. 3/4 किसका चाहिए, स्टेट लेजिस्लेचर्स का, उसको रेटिफाई करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन कॉल्ड बाय 2/3 ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यस। कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन कॉल्ड बाय 3/4 स्टेट लेजिस्लेचर, नो। आंसर क्या रहेगा इसका, 1, ए एंड सी ओनली। अब करने हैं मैच। नेक्स्ट 66, द ग्रोथ ऑफ लॉ, किसने भी ये लिखी है बुक, कॉर्डोजो, थ्योरी ऑफ लीगल साइंस, एच केरन्स ने, ओके। Introduction to the Principle of Morals and Legislation, Jeremy Bentham. Law of Peoples, John Rawls. क्या बन गया इसका, 2143, 2 is the answer. Next 67, फिर से मैच करना है। Article 326 क्या है, Election to be on the basis of adult suffrage, 3. 324 का 3 क्या है, Chief Election Commission shall act as Chairman of Election Commission. 328, power of legislature of state to make provision with respect to election to such legislation, 4. 329 क्या बच गया, 2, ban to interfere, तो answer क्या बनेगा इसका, 3142, 3 is the answer. और फिर से match करना है। Next 68, third ministerial conference WTO held in Seattle, 6th कहाँ हुई थी, Hong Kong में, 4th कहाँ हुई थी, दोहा में, 7th कहाँ हुई है, जिनेवा में। अब बेसिकली ना इस पेपर में क्या होता है ना, इसी नेट में, कि बहुत सारे ना इररेलेवेंट क्वेश्चंस पूछते हैं ना, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ आस्किंग दिस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस, आई डोंट फाइंड एनी रीजनिंग इन दिस। इसका आंसर क्या बनेगा, 2,
2143, 2 is the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, देखिए आईपीसी क्वेश्चन पूछे हुए, सेक्शंस पूछ लिए हैं अब यहाँ पर. एक्ट कोजिंग स्लाइट, हम क्या बोलते हैं उसको, ट्रिवियल एक्ट, कौन सेक्शन में है ये, है 95 में. ओके, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 73, कम्युनिकेशन इन गुड फेथ 93, एक्ट ऑफ चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स दैट इज सेक्शन 82, डॉली इन कपैक्स. तो क्या बन गया इसका, 3421, तो आंसर इज 1. नेक्स्ट 70, अब नेग्लिजेंस केस किससे रिलेटेड था, ग्लासगो कॉर्पोरेशन वर्सेस म्यूयर से. स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, रिलेंड वर्सेस फ्लेचर. एब्सोल्यूट लायबिलिटी, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. नर्वस स्टॉक, बोरो वर्सेस यंग. तो आंसर क्या बन गया इसका, 3124, 3 इज द आंसर. फिर से मैच करना है अब आगे सेक्शंस कॉन्ट्रैक्ट के. तो व्हाट इज 162, टर्मिनेशन ऑफ ग्रेट्यूटस बेलमेंट बाय डेथ. 178 इज प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट. 214 एजेंट्स ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद प्रिंसिपल. एंड 150 बेलर्स ड्यूटी डिस्क्लोज फॉल्ट इन गुड्स. तो आंसर क्या बनेगा इसका, 3142. तो यहीं पर देखिए 3124 इज द आंसर. अब सीपीसी के क्वेश्चंस पूछ लिए हैं. सेक्शन 13 सीपीसी क्या कहता है, When foreign judgments are not conclusive, 3. Section 14, presumption as to foreign judgments. तो आप देखिए, अगर आपको एक दो भी आते हैं तो भी आप इसको बना सकते हैं. मान लीजिए definitions में कोई confusion हो गई, तभी आप देखिए A का जो 3 है किसमें है, 2 में है, तो ये दो रूल आउट हो गए. फिर D का जो है 2 है, तो D का 2 एक में ही है, देखिए 2 इज द आंसर. फॉरन कोर्ट किसमें है, 2-5 में. एंड वट इज 2-6, जजमेंट ऑफ फॉरन कोर्ट. नेक्स्ट 73, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इट इज पावर टू रिकमेंड. देखिए मान लीजिए आपको ये नहीं पता ऊपर वाला, तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तो कितने में आया है वो, 338B में. नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, दैट इज इन आर्टिकल 338A क्या है, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है. एंड 338B कब से आया है, 102nd अमेंडमेंट एक्ट से. ओके, तो अब इसको बना लीजिए. देखिए बी का 4 है, बी का 4 एक में ही है, देख लो बन गया फटाफट, 2 इज द आंसर, एक आ गया. 3, एंड नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, स्टेट टू इंट्रोड्यूस रेगुलेटरी रिजीम इन नेशनल इंटरेस्ट. नेक्स्ट 74, फिर से मैच करने, अब आईटी एक्ट के आ गए, डेफिनेशंस मैच करनी है इसमें. तो कंप्यूटर की डेफिनेशन कहाँ पे दी हुई है, 2I में. कंप्यूटर नेटवर्क है 2J में. सर्टिफाइंग अथॉरिटी, तो आई से पहले होना चाहिए वो, तो कितने में होगा, 2G में. अब देखिए रिसोर्स है, तो आप अगर आपका नहीं भी आता है तो भी आप देखिए CE पहले आएगा CO से, और फिर अगर तीनों सेम है कंप्यूटर, तो जो ये है ये पहले आएगा, फिर N बाद में आएगा, और उसके बाद फिर R आएगा, तो IJK बन गया इजीली. तो क्या बना फिर ये, 4312, 4312, 3 इज द आंसर. नेक्स्ट 75, अब देखिए ये है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, तो आर्टिकल 5 अभी हमने किया था कि अमेंडमेंट है, तो देखिए बना दिया आर्टिकल 5 इज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. सो ए का अगर हम देखें 4th, तो ए का 4th एक में ही है, देखो बन गया ना फटाफट, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. आर्टिकल 3 क्या, जुडिशियस पावर ऑफ अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट. चैप्टर 5 इज कांग्रेस ऑन द ईव ऑफ प्रेजिडेंशियल इलेक्शन. एंड चैप्टर 4 इज फॉर प्रेजिडेंशियल इलेक्शन नवंबर 7, ठीक है, तो इससे आप मैच कर सकते हैं. नेक्स्ट 76, अब हमें इसको जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है. प्रैक्टिकल ट्रिटाइज ऑफ आर्किटेक्चरल ज्यूरिसप्रूडेंस बाय जेम्स एम्स, उसके बाद फिर स्पिरिट ऑफ कॉमन लॉ बाय रॉस्को पाउंड, उसके बाद फिर ग्रोथ ऑफ लॉ बाय बेंजामिन, फिर आया टेकिंग राइट सीरियसली बाय रोनल्ड डॉर्किन, उसके बाद फिर आया वर्ल्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन राइट्स बाय थॉमस पोग, ठीक है. तो ये बुक्स के नाम हैं, तो ये आपने बताने की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कौन कौन सी ईयर में आए, जरा कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए. आई विल राइट ओवर देयर, डोंट वरी. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3. जरा बताइए हमको कमेंट सेक्शन में जाकर कि कौन कौन से ईयर में आई ये बुक्स. नेक्स्ट 77 है, अब फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है. देखिए पहले मैच के क्वेश्चन स्टार्ट हुए, अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के आ गए, ठीक है ना. अब क्रोनोलॉजी में लगाने हैं सारे. तो स्पेशल आर्टिकल्स जो है ना, देखिए स्पेशल प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 371, सिक्किम किस में है, एफ में. कर्नाटका जे, मणिपुर सी, एंड नागालैंड ए. तो सबसे पहले कौन सा आया फिर,
ACFJ मतलब DCAB, तो DCAB दैट इज 3 इज द आंसर. नेक्स्ट 78 इंडिकेट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ईयर्स द फॉलोइंग केस दे वर डिसाइडेड. देखिए केस ऑफ टेंपल प्रिया विहार कंबोडिया वर्सेस थाईलैंड भी बोलते हैं इसको. अगर मान लीजिए कंबोडिया वर्सेस थाईलैंड का कहीं आ जाए कौन सा केस है, मान लो इसमें आ जाए मैच दी फॉलोइंग कंबोडिया वर्सेस थाईलैंड, ये प्रिया विहार केस है. तो टेंपल ऑफ प्रिया विहार थाईलैंड कह रहा था कि हमारा, कंबोडिया कह रहा था कि हमारा. तो ये डिसाइड हुआ था 1962 में, म्यूचुअल सेटलमेंट हो गई थी, थाईलैंड ने इस पर अपना राइट छोड़ दिया था. फ्रंटियर डिस्प्यूट बुर्किना फासो वर्सेज माली दैट इज 1986 में डिसाइड हुआ. द कैरोलिन केस 1842, आर वर्सेस कीन 1876, कोर्जो फैक्ट्री इंडेमनिटी केस 1927. तो क्या बन गया, देखिए सबसे पहले क्या आया सी, फिर डी, उसके बाद फिर ई, फिर आया ए बी, सी डी ई ए बी 3 इज द आंसर. नेक्स्ट 79 इंडिकेट द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन द ईयर. देखिए स्टेट वर्सेज तमिलनाडु बालकृष्णा, ये केस आया था 1993 में. देखिए इसमें ये केस दिया मंगेश वर्सेज महाराष्ट्र, इस पर कई केस थे बट इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया कि भाई ये उसके अंदर इसका पूरा नाम नहीं लिखा इन्होंने, तो इस केस से ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाया. बट इट इज इन बिटवीन 1993 एंड 94. राम कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ MP यह 1997 में. के एम नानावती वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1959 में. एंड महेश चंद्र वर्सेज स्टेट ऑफ दिल्ली 1991 में. ठीक है तो क्या बन गया फिर, सबसे पहले कौन सा आया डी, तो डी एक में ही है, देखो यहाँ पर डी सबसे पहले आया ना 1959 में, तो इसी से बन गया. तो इसी से हमने ये जाना है कि जो मंगेश वाला केस है ना, ये ए और सी के बीच में है, है ना. देखो बी है ना ए और सी के बीच में, इसका मतलब क्या हुआ, ये मैंने गूगल पे करके देखा मंगेश वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 93, 94, 95, 96, तो कहीं भी नहीं मिला मुझे ये. तो इट वॉज बिटवीन 1993, 94, 95. ठीक है, अगर आपको कुछ मालूम हो इसके इसके बारे में तो हमें ज़रूर लिखिए कि ये कौन सा केस है, यहाँ पूरा नाम नहीं लिखा हुआ है इसमें. ओके तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा हमको, ताकि और लोगों को भी पता लग सके. नेक्स्ट है 80. अब सीक्वेंस देखिए लगाना है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, ड्यूटी टू केयर होना चाहिए. अगर ड्यूटी टू केयर नहीं है तो डैमेजेस नहीं आएंगे ऑब्वियसली. फिर ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो जाएगी तो कॉजेशन होगा, उससे क्या मिल जाएगा डैमेजेस. तो CBDA 3 इज द आंसर. नेक्स्ट है 81 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है. ये जो है ना सेक्शन की हेडिंग है, पहले ये अगर आपको पता है तभी आप कर पाओगे. हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मेजर होना चाहिए, साउंड होना चाहिए, मौर्य धर्मदास घोष, कौन सा सेक्शन है ये, सेक्शन 11. इफेक्ट ऑफ मिस्टेक एज टू लॉ, सेक्शन 21. बट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 10. एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ मैरिज इज वॉइड, 26. तो सबसे पहले कौन सा आया, CABD. तो CABD 3 इज द आंसर. तो अब फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है. ये केसेस हैं हिंदू मैरिज एक्ट में डाइवोर्स केसेस. तो जयाचंद्र वर्सेज अनिल कौर, ये केस आया था 2004 में. नवीन कोहली वर्सेज नीलू कोहली आया था 2006 में. दास्तानी वर्सेज दास्तानी आया था 1975 में. भगत वर्सेज भगत आया 1993 में. सबसे पहले कौन सा है, दास्ताने, फिर डी CDAB. तो CDAB 3 इज द आंसर. देखिए मोस्ट ऑफ द आंसर किस में लगे हैं, 3. आप जो है प्रीवियस क्वेश्चन देख लीजिए, सब में 3 आंसर है. तो कहीं कुछ ना बन रहा हो तो प्रेफरेंस 3 को दे दीजिएगा, अगर आता है तो अच्छी बात है. अगला देख लीजिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. सबसे पहले कॉन्फ्रेंस कौन सी हुई, ह्यूमन एनवायरनमेंट पे 1972. फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखिए इधर आसपास ही है सारे ये. अब मेरे को बताइए, आपने कमेंट सेक्शन में जाकर लिखना है कि कब हुआ. आई नो ऑब्वियसली आई कैन टेल यू बट यू शुड डू समथिंग. तो पहले आई ह्यूमन एनवायरनमेंट पे, फिर आया वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, उसके बाद फिर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, उसके बाद आया फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और फिर आया यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है तो कैसे बना फिर ये, ADCBE. देखिए इसमें भी आंसर क्या है, 3. नेक्स्ट 84 प्रोफेसर विलियम फिशर आइडेंटिफाइड 4 एनालिटिकल कंस्ट्रक्ट्स ऑफ थ्योरी ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस. फर्स्ट वाज यूटिलिटेरियन थ्योरी, फिर लेबर थ्योरी, उसके बाद फिर पर्सनैलिटी थ्योरी, और उसके बाद फिर सोशल प्लानिंग थ्योरी. तो DBAC 3 इज द आंसर. सब 3 हैं. अब आगे इसमें और देख लीजिए.
85 कहता है, the trend towards codification of British constitution in whole or in part is a movement during the past decade from eminent quarters. Arrange them in chronological order. सबसे पहले आया यूरोपियन कम्युनिटीज एक्ट, फिर नॉर्दर्न आयरलैंड एक्ट, फिर आ गया रेफरेंडम, फिर आया स्कॉटलैंड एक्ट. तो क्या बन गया, डी ए बी सी, थ्री इज द आंसर, अगेन थ्री. तो तीन जो है ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और मैच द फॉलोइंग, मैक्सिमम जो आंसर है वो थ्री है इस पेपर में. अगले पेपर में क्या पता फिर बी हो जाए. अगर आपको लगे ना सीक्वेंस में आ रहे हैं तो देन देयर इज अ चांस दैट कि अगला क्वेश्चन भी वही सेम रहेगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में. नेक्स्ट आ गया 86, द रूल मेकिंग पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर एलोटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ कोर्ट इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. ये गलत है. ओनली एन इम्पार्शियल इंडिपेंडेंट जुडिशरी कैन प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इंडिविजुअल विदाउट फियर और फेवर. तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, फोर इज द आंसर. नेक्स्ट 87, अगेन अजम्पशन रीजन, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग ऑफ डेथ टू द असेलेंट इन केस ऑफ असॉल्ट ऑफ थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रेटिंग एसिड और एन अटेम्प्ट टू थ्रो एडमिनिस्टर एसिड विच मे रीजनेबली कॉज द अप्रिहेंशन दैट ग्रीवियस हर्ट विल अदरवाइज बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच एक्ट. दिस इज करेक्ट. रीजन, द प्रोविजन वॉज इंसर्टेड अंडर क्लॉज 7 ऑफ 100 बाय एक्ट 13 इन व्यू ऑफ इंक्रीजिंग केसेज ऑफ एसिड थ्रोइंग ऑन द गर्ल्स वुमेन इन इंडिया. तो बोथ आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, वन इज द आंसर. नेक्स्ट है 88, डोमिनेंट पोजिशन मीन्स पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ एंजॉयड बाय एन एंटरप्राइज इन रेलिवेंट मार्केट इन इंडिया विच अनेबल इट टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ऑपरेटिव फोर्सेज एंड अफेक्ट कॉम्पिटिटर्स एंड कंज्यूमर इन इट्स फेवर. नो एंटरप्राइज शैल अब्यूज इट्स डोमिनेंट पोजिशन. तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, वन इज द आंसर. ये कॉम्पिटिशन लॉ से एक क्वेश्चन, तो कॉम्पिटिशन लॉ से दो क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक, मैंने दो क्वेश्चन देखे हैं, एक पहले था एक ये है. नेक्स्ट इज 89, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल एज अगेन अजम्पशन है, अंडर कंपनीज एक्ट 2013 सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑथराइज टू इंप्लीमेंट अ फैसिलिटी टू फाइल डॉक्यूमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. यस इट इज करेक्ट. सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑथराइज टू मेक रूल्स टू इंप्लीमेंट दिस फैसिलिटी एंड सेक्शन 398/401/402 हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द एक्ट ऑफ 2013. तो बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, वन इज द आंसर. नेक्स्ट है 90, फिर से स्टेटमेंट है, नो पर्सन एक्सेप्ट द फादर और मदर ऑफ चाइल्ड शैल हैव द कैपेसिटी टू गिव द चाइल्ड इन अडॉप्शन अंडर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट. ये है सेक्शन 6. एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट, द सेम चाइल्ड मे नॉट बी अडॉप्टेड साइमल्टेनियसली बाय टू और मोर पर्सन, सेक्शन 11 की कंडीशन, अदर कंडीशंस. ठीक है, तो देखिए सेक्शन 6 कहता है कि अ पर्सन हु हैज कैपेसिटी टू गिव द चाइल्ड. तो फादर मदर तो होना जरूरी नहीं है, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर भी दे सकते हैं. अगर मान लो फादर मदर की डेथ हो गई, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर नहीं उनकी देखभाल कर सकते, तो दे कैन गिव द चाइल्ड इन अडॉप्शन. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट. तो फोर इज द आंसर. अब आगे 91 से और 100 तक, मतलब 10 क्वेश्चन जो है पैसेज के क्वेश्चन है, पैराग्राफ के क्वेश्चन है, और पैराग्राफ ऐसे ऐसे पैराग्राफ नहीं है, जजमेंट से लिए गए हैं. देखिए, प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल एज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ डिग्निटी, डिग्निटी हैज बोथ इंट्रिंसिक एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू. देखिए प्राइवेसी के बारे में बात कर रहे थे, तो मतलब ये जो जजमेंट है वो राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड है. ठीक है ना, द रेफर्ड पैराग्राफ इज टेकन फॉर द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन राइट टू प्राइवेसी फोर. देखिए एज आई टोल्ड यू. नेक्स्ट 92, द रेफर्ड पैराग्राफ इज अ पार्ट ऑफ जजमेंट डिलीवर्ड बाय जस्टिस डी वाई चंद्रचूड, टू इज द आंसर. फिर से वही पैराग्राफ है, इज द फॉलोइंग केस इट वॉज हेल्ड दैट राइट टू प्राइवेसी इज नॉट प्रोटेक्टेड एज अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. केस कौन सा था ये, एम पी शर्मा वर्सेज श्री चंद्र, वन इज द आंसर. फिर से वही पैराग्राफ है, क्वेश्चन है 94, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वॉज हेल्ड दैट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ मीन्स प्रोसीजर मस्ट बी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल. द मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 95 है, विच इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट टू प्राइवेसी इज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड एज फंडामेंटल राइट. नो इट इज नॉट. इज प्रोटेक्टेड एज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21. यस, नॉट प्रोटेक्टेड तो है ही नहीं. आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ओनली फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एक्शन. नो दिस इज रॉन्ग. इसका आंसर क्या रहेगा, सेकेंड, टू इज द आंसर. अब आ गया नेक्स्ट पैसेज, पांच क्वेश्चन इसमें से आएंगे. एक्सेप्टेंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ एज अ लॉ पॉजेस द प्रॉब्लम एक्सप्लेनिंग इट्स बाइंडिंग फोर्स. तो यहाँ पे पढ़ लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, पढ़ सकते हैं. अभी किसने लिखा था, देखिए, अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन द पॉजिटिव लॉ हैज द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स. कौन कौन से हैं, ये है कमांड, सोवरेन एंड सैंक्शन. टू इज द आंसर. मतलब ये यूजीसी वाले चाहते हैं कि हम जितने भी सारी बुक्स हैं
जूरिस्प्रूडेंस वाले जितने भी जूरिस्ट हैं उनकी सारी बुक्स पढ़े और याद कर लें, अदरवाइज ये तो ऐसे ही पेपर बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा है। स्टार्क एंड कैल्सन कंटेंड दैट देयर इज बोथ लेजिस्लेशन एंड लॉ एनफोर्समेंट इन इंटरनेशनल लॉ। This is correct. According to Stark, legislation being provided by multilateral treaties in international law. Yes. According to Kelsen, sanctions are provided by the right of self-help and war in international law. Yes, it is correct. For treaties and self-help can qualify as legislation and law enforcement in positivist sense. No, this is wrong. So, answer kya rahega iska? 4. Questions ka is paragraph se koi lena dena nahi hai. बस ये इसलिए दे दिया पैराग्राफ ताकि आप समझ जाए कि भाई हाँ ये पैराग्राफ वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट 98 हु डिफाइंस लॉ एज अ बॉडी ऑफ रूल्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट विद इन अ कम्युनिटी विच बाय कॉमन कंसेंट ऑफ दिस कम्युनिटी शैल बी एनफोर्स्ड बाय एक्सटर्नल पावर। ये कहा था ओपनहाइम ने, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 99 अब नोट करेक्ट पूछा है फिर से। हार्ड एनालिसिस ऑफ लॉ सजेस्ट दैट इंटरनेशनल लॉ कंसिस्ट ऑफ लीगल रूल्स फॉर्मिंग नॉट अ सिस्टम बट अ सेट ऑफ रूल्स। यस, एब्सेंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ ऑफ एनी बेसिक रूल ऑफ रिकॉग्निशन प्रिवेंट इट्स बीइंग यूनिफाइड इनटू अ सिस्टम। यस, इंटरनेशनल लॉ रिमेन्स अ मियर सेट ऑफ सेपरेट रूल्स। यस, मेनी ऑफ रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ रेस्ट ऑन ट्रीटी नॉट ऑन कस्टम्स। दिस इज रॉन्ग। तो आंसर क्या रहेगा इसका? 4, नॉट करेक्ट इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। द व्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ कंसिस्टेड ऑफ द प्रिसेप्ट्स डिक्टेटेड टू स्टेट्स बाय नेचुरल लॉ वाज एडवांस्ड बाय, तो किसने कहा था ये? कहा था वेटल ने। 2 इज द आंसर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने UGC NET 2021 का लॉ का एग्जाम पेपर जो पूरा डिस्कस कर लिया है। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी, कुछ लेसन हो, कोई एडवाइस हो, तो आप जो कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। एंड इन बिटवीन अगर क्वेश्चंस में आपको कुछ ऐसा दिखा हो, एंड जैसे कि हमने क्वेश्चंस में बीच में बोला भी है कि भाई अगर आपको कुछ पता है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड व्हाइल सब्सक्राइबिंग डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में UGC NET 2020 लॉ एग्जाम पेपर के साथ। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।